लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? फिक्स, देर इज नो चेंज। योर बर्थडे डेट इज फिक्स, दैट मीन्स इट इज डेफिनेट, ऑन दैट पर्टिकुलर डे योर बर्थडे विल कम। प्रोपोर्शन, मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, मीन्स कोई चीज़ों का सेम प्रोपोर्शन है, मीन्स उनकी रेशियो सेम है या परसेंटेज दोनों की बराबर है। दैट मीन्स वी कैन से लॉ ऑफ फिक्स परसेंटेज या फिक्स रेशियो, सो दैट इज़ वट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ को किसने केमिस्ट्री में सबसे पहले बताया था? फ्रेंच केमिस्ट थे, उनका नाम था जोसेफ प्रोस्ट। इन्होंने कहा कि अ गिवन कंपाउंड, तो दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है, तो यदि दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड। तो इन्होंने बोला अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाई वेट। यदि हम बाई वेट देखेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उनका क्या क्या वेट है, तो यू विल ऑलवेज फाउंड कि वो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक यदि हम एक कंपाउंड लेते हैं उसका नाम है क्यूप्रिक कार्बोनेट, या इसको हम ये भी बोलते हैं कॉपर टू कार्बोनेट। यदि इसका फॉर्मूला देखें तो इट इज़ लाइक CuCO3। दैट मीन्स इसके अंदर एक कॉपर का एलिमेंट है, एटम है, एक कार्बन एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? थ्री एटम्स हैं। तो थ्री एलिमेंट से मिलके बना है, थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स, कॉपर कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के थ्री एलिमेंट्स हैं, राइट? ओके, अब ये दुनिया में यदि आप देखोगे ये कंपाउंड, यदि क्यूप्रिक कार्बोनेट की बात करें, आपको दो तरीके से मिलता है। यदि आप ज़मीन में खोदोगे सो यू विल फाइंड क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसको बोलते हैं नेचुरली ऑब्टेंड क्यूप्रिक कार्बोनेट, या आप अपनी लैब में बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक वन। पर यदि आप क्यूप्रिक कार्बोनेट दोनों आप लेते हो, नेचुरल या सिंथेटिक, और उनका एनालिसिस करते हो, यू विल फाइंड कि नेचुरल सैंपल हो या सिंथेटिक, दोनों के अंदर द परसेंटेज ऑफ कॉपर बाई वेट या परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई वेट इज ऑलवेज फिक्स। आप देखिए रीडिंग्स आ रहे हैं एग्जैक्टली सेम। दैट मीन्स मुझे यदि कोई चीज़ बनानी है, यदि मेरे को कोई एक पर्टिकुलर डिश बनानी है, राइट, तो मेरे को फिक्स चीज़ें यूज़ करनी होंगी। घर में आप खाना बनाती हैं मम्मा आपके, राइट, तो आप देखते हो उनका खाने का पर्टिकुलर सब्जी बनती है, उसका टेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें बाई वेट जितना नमक डालना है, जितनी सब्जी डालनी है, जितना ऑयल डालना है, या जितनी देर तक करना है, दैट प्रोसेस इज़ फिक्स। तो उसमें जो एलिमेंट्स या चीज़ें होती हैं वो सब मिक्स मिक्स होती हैं, तो अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अ कंपाउंड जो हमेशा आपको सेम लगता है टेस्ट में। तो लोगों ने जो है ना ये ऐसे नहीं मान लिया, लोगों ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, सो द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप भी करना, यू विल फाइंड इट इज़ ऑलवेज फिक्स। बहुत बार इसका दूसरा नाम भी होता है, समटाइम्स इट ऑल्सो रिफर्स एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशंस। हम बोलते हैं इनकी कंपोजिशन दो चीज़ की फिक्स है, आपको पर्टिकुलर टेस्ट का खाना चाहिए तो कंपोजिशन फिक्स रखनी होगी, जरा सा नमक ज़्यादा हो गया टेस्ट बिगड़ जाएगा। सो बिकॉज वट यू हैव डन, यू हैव चेंज द कंपोजिशन या यू हैव चेंज द परसेंटेज ऑफ नमक, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर? वेरी गुड।